पूर्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि वास्तविकता में सिंधिया परिवार के सदस्यगण जो इस प्रांगण में आ रहे हैं, आज इस कार्यक्रम में हमने अनेक वक्ताओं को सुना, ज्ञान की बात, मूल्यों की बात, सिद्धांतों की बात, वर्तमान की बात, प्रगति की बात, विकास की बात और भविष्य की बात। इन सारे मुद्दों पर सामाजिक तौर पर आज विश्लेषण हो चुका है। लेकिन एक बात विनम्र पूर्वक आपके समक्ष मैं रखना चाहता हूं, जिस बात को लाखन सिंह जी ने रखा और बड़े बड़े सुंदर तरीके से रखा, किसी भी समाज में जब हम वर्तमान की बात करें, जब आज की स्थिति पर हम लोग चर्चा करें, भविष्य की मांगों पर हमारी चर्चा करें, सामाजिक वातावरण, हम तभी वर्तमान की बात पर भविष्य की नीति बना सकते हैं जब अतीत और इतिहास को सामने रखकर उसका मार्ग हम लोग प्रशस्त करें। और जाट समाज का इतिहास क्या है, इस मंच पर जाट समाज के नवरत्न बैठे हैं, और ये मात्र एक झांकी है, क्योंकि उत्तर भारत में अगर आप देखें, राजस्थान के पाकिस्तान के बॉर्डर से हरियाणा तक, हरियाणा से मध्य प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश के नेपाल की सीमा तक, अगर वीरों की पंक्ति लगी है इतिहास के पन्नों में, तो वो जाट समाज की वीरों की पंक्ति है। एक अद्भुत इतिहास है आप, और मैं चाहूंगा लाखन सिंह जी, तो आज आपने संदर्भ दिया है जाट समाज के इतिहास, हमारे बुजुर्ग पीढ़ी के जहन में है, उनके कण कण में है, लेकिन अगर समाज का उत्थान करना है, अगर समाज का मार्ग आने वाले समय में प्रशस्त करना है, तो यह अनिवार्य है कि यही इतिहास की पूंजी जो इस मंच पे बैठी हुई है, इस पूंजी को भी आने वाले पीढ़ी में सम्मिलित करना अनिवार्य है। आधुनिक संदर्भ में मैं आपको बता दूं, जैसे आधुनिक संदर्भ में जा आट जाट का लाखन सिंह जी ने कहा, जस्टिस एक्शन और ट्रूथ, न्याय संदर्भ
संघर्ष और सच्चाई। वैसे ही अगर मैं संदर्भ दूं तो जो आजकल हम लोग सब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, भारत में जहां ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की अहमियत है, क्योंकि भारत को विश्व स्तर पर एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरना है, जहां ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का महत्व है, वहां ट्रांसफर ऑफ हिस्ट्री का भी महत्व होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ इतिहास का महत्व होना चाहिए। क्योंकि केवल आर्थिक प्रगति के होड़ में अगर हम लगेंगे तो वह आर्थिक प्रगति हमारे मांस और हड्डी के समान, पर शारीरिक रूप से अगर मनुष्य के पास केवल मांस और हड्डी होगी और आत्मा से वंचित मनुष्य रह जाएगा तो वो मनुष्य शून्य के समान रह जाता है। भारत में, केवल भारत में वो क्षमता है एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने की, लेकिन आर्थिक शक्ति के साथ साथ केवल भारत में वो क्षमता है विश्व पटल पर एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभरने की। तो यह पूंजी, यह इतिहास, यह चित्र जो हम देखते हैं, जो पोस्टर्स पे लगे हुए हैं, इन चित्र के पीछे जो न्याय की कहानी है, इन चित्रों के पीछे जो संघर्ष की कहानी है, इन चित्रों के पीछे जो सच्चाई की कहानी है, वो जांच, संघर्ष, न्याय और सच्चाई का जांच को हमें अपने आत्मा में पूर्ण रूप से सम्मिलित करना होगा। और क्या कहानी है जाटों की? जब जब इस भारत माता की माटी में संकट का समय आया है, तो अगर एक समाज चट्टान की तरह खड़ा होकर उसे थामने का कार्य किया है तो वो मेरे जाट समाज ने किया। अभी ठाकुर साहब कह रहे थे ना, पहाड़ों को हिला देते उसे तूफान कहते हैं, पहाड़ों को हिला देते उसे तूफान कहते हैं। दिमाग में मत लो, दिल में लेना। पहाड़ों को हिला देते उसे तूफान कहते हैं, जो तूफान को थमा देते उसे जाट कहते हैं। ये दो लाइन नहीं है सुनने के लिए, ये दो लाइन है अपने आत्मा में स्थापित करने के लिए। ये इतिहास हमारे समाज का, और एक ऐसा इतिहास जो इन महापुरुषों से शुरुआत नहीं होती, एक ऐसा इतिहास जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है। पौराणिक मान्यता है कि जाट समाज की उत्पत्ति अगर हुई है तो भगवान शिव के जटाओं से हुई। तो आप अपने नींद को देखो, अपनी शुरुआत को देखो, और उसी आधार पर जब जब जाट समाज का परिचय देना पड़ता है तो मेरे मस्तिष्क और दिल में चार शब्द आते हैं। जाट समाज का परिचय, नंबर एक उत्साही,
जाट समाज का व्यक्ति दिमाग से काम नहीं करता, जाट समाज का व्यक्ति दिल से काम करता। सही है कि नहीं? सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। सही कह रहा हूं मैं, और ताली आ रही है, ऐसी बज रही है। सही कह रहा हूं मैं, और ऐसे धीरे 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 जाट समाज की तैयारी चाहिए मुझे। नंबर एक उत्साही, नंबर दो मेहनती। जाट समाज का व्यक्ति मेहनती व्यक्ति। नंबर तीन, जो हमने इस मंच से भी कुछ सुना, राजा लोकेन्द्र सिंह जी से, लाखन सिंह जी से, ठाकुर साहब से, जाट समाज का व्यक्ति स्पष्टवादी। तो बोल दिया भैया, ना सोचा ना समझा, मन में बात है, वो मन की बात सुनानी। राजनीति तो बड़ी कूटनीति की हो, व्यक्ति 10 बार दिमाग में सोचता है, टटोलता है, धीरे धीरे शब्दों का प्रयोग करता है। ना जाट समाज का व्यक्ति तो दिल की बात है, धीरा सुना। तो मेहनती, उत्साही, स्पष्टवादी और आखिरी बात, मेरा जाट समाज का व्यक्ति साहसी व्यक्ति है। यार बीच की पतली गली नहीं, और इसलिए मराठा और जाटों में इतनी अच्छी एक बिरादरी थी। तो ये जाट समाज की पहचान है। अभी मैंने बहुत सुना, जाट समाज इतिहास के बारे में, जब जब इस माटी पर चुनौती का समय आया, मेरे जाट समाज के वीरों ने, चाहे तलवार हो, चाहे बर्चा हो, चाहे खंजर हो, छाती पे ली, भारत माता की। ये आपके पूर्वज हैं, और ये ना हम बोले कि भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाले मोहम्मद गौरी को अगर धूल चटाया था तो राजा रामलाल खोकर जी ने चटाया, मौत के घाट उतार दिया था। मोहम्मद गौरी का क्या है? एक डर पैदा हुआ था इस देश के अंदर, और उनके विरुद्ध एक चट्टान की तरह अगर उठा तो राजा रामलाल खोकर जी उठे। और केवल ये नहीं, लेकिन जैसे आज इस मंच पर श्रृंखला हमें दिख रही है, इतिहास इस बात की गवाह, इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं जाट समाज के वीरों के नाम अंकित कर। चाहे हम देखें महाराजा रंजीत सिंह जी हो, महाराज सूरजमल जी हो, जवाहर सिंह जी हो, भीम सिंह राणा जी हो, राजा राम सिंह जी हो, नार सिंह जी हो, महेंद्र प्रताप सिंह जी हो, भगत सिंह जी हो, करतार सिंह सराभा भी हो, एक के ऊपर एक हमारे जाट समाज के नवरत्नों से हमारा इतिहास के पन्ने अंकित किए गए। हमारे महाराज सूरजमल जी ने, जिनकी एक छवि थी पूरे भारतवर्ष, एक छवि थी वीरता की, एक छवि थी धीरता की,
एक छवि की गंभीरता की और उस वीरता वीरता और गंभीरता के साथ एक छवि की उदारता की। वीरता वीरता गंभीरता और उदारता के साथ एक सतर्कता की छवि थी, एक दूर दृष्टिकोण था उनका। और उन्होंने अपने जीवन काल में जो महाराज सूरजमल जी ने इस क्षेत्र में सौगरिया रुस्तम पर आक्रमण करके उन्हें समाप्त किया था 25 साल की उम्र पर, वो इतिहास के पन्नों पर अंकित किया। सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में खड़े हुए, भारत में बहुत कम शासकों की फौज 1500 घुड़सवार 25,000 सैनिक, जब महाराज सूरजमल की सेना निकलती थी दुश्मनों के दिमाग नहीं लेकिन दुश्मनों के दिल कप कपाते थे मेरे भाइयों। तो ये इतिहास है जाट समाज का। अब इस इतिहास को आप आधुनिक युग में देखें, जैसे कालखंड में परिवर्तन आता है, हमारे सोच विचारधारा में परिवर्तन नहीं आना चाहिए लेकिन सेवा भाव में परिवर्तन आता है। और हमारे जाट समाज के समाज सुधारक, चाहे हमारे दीन बंधु सर छोटू राम जी हो, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी हो, और चौधरी चरण सिंह जी के साथ एक नाम हम भूल गए, चौधरी देवीलाल जी हो, ये सारे सारे समाज सेवा के क्षेत्र में केवल जाट समाज के झंडे को बुलंद नहीं किया लेकिन भारत माता के तिरंगे को बुलंद किया। अभूतपूर्व योगदान रहा है जाट समाज, चाहे कृषि के क्षेत्र की हम बात करें, हरी क्रांति की शुरुआत अगर हुई थी तो वो जाट लैंड से शुरुआत हुई, हरियाणा और पंजाब से शुरुआत हुई। और आपके समाज में से जो कमाल हरियाणा और पंजाब में किया है वही कमाल ग्वालियर चंबल संभाग में भी जाट समाज है। कृषि प्रधान हमारा समाज, मेहनत मशक्कत का हमारा समाज, और जहां कृषि के क्षेत्र में चार चांद लगाए वहां खेलकूद के क्षेत्र में भी अगर भारत का नाम सर्वोच्च पद पर लिया जा रहा है विश्व पटल पर तो उसके पीछे जाट समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान। रानी राणा जी बैठी हुई है मंच पर और ये इस बात का आगाज है कि जाट समाज में केवल पुरुषों का योगदान नहीं लेकिन पुरुषों के योगदान के साथ मेरी मातृशक्ति मेरी महिलाओं का योगदान भी सर्वप्रथम सदैव। और उसी सोच और विचारधारा के साथ जब हम बात करें जाट समाज और सिंधिया परिवार का पुराना रिश्ता, मैं उस समय में आपको ले जाना चाहता हूं जिसका संदर्भ मोहित ने दिया था, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का सपना। वो भगवा झंडा हाथ में लेकर मेरे पूर्वजों ने जो संकल्प किया था भारत में हिंदवी स्वराज को स्थापित करने के लिए, और उस संघर्ष में जब दत्ताजी महाराज ने जाट साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए रोहिला अफगानों के साथ लड़ाई छेड़ी, रोहिला अफगानों ने जाट साम्राज्य पर हमला किया और उस
समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने भेजा था दत्ताजी महाराज को, दत्ताजी महाराज ने जाट समाज के हमारे लोगों के लिए उनकी सुरक्षा देने के लिए बुरारी घाट में दिल्ली में अपने जीवन की आहुति दी थी। और जब तलवार लेकर नजीबुद्दौला दत्ताजी महाराज के छाती पर पांव रखकर पूछे जीवन के अंतिम क्षणों पर कि दत्ताजी लड़ोगे, दत्ताजी महाराज ने कहा नजीब जिएंगे तो लड़ेंगे। आपके हमारे समाज का एक संबंध है। तो जैसे राज साहब ने अभी कहा लोकेंद्र सिंह जी ने, ये क्षेत्रीय संपर्क का संबंध नहीं है, ये सामाजिक संबंध नहीं है। मैं मानता हूं कि जाट समाज के साथ मेरा कोई संबंध है तो एक खून का रिश्ता जाट समाज के साथ है। चाहे एक तरह दत्ताजी महाराज ने अपने जीवन की बलिदान दी, वही हम देखें कि महाराज सूरजमल और जयप्पा महाराज दोनों पगड़ी भाई थे। और पगड़ी भाई का मतलब क्या होता है? पगड़ी भाई का मतलब होता है आपकी जान की रक्षा के लिए मैं अपनी जीवन की आहुति देने के लिए तैयार हूं। यह संबंध दोनों में था। और तो और जो मैं भावनाओं की बात इस मंच से कर रहा हूं, वही भावनाओं की बात अगर हम रिश्ते की बात करें तो इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूं। जब ग्वालियर की राजकुमारी का ब्याह भोलपुर के महाराजा के साथ तय हो गया, तो जिस संबंध आत्मा की संबंध की मैं बात कर रहा था, वो आत्मा का संबंध 1970 में एक रिश्ते के संबंध में तब्दील हो गया मेरे भाई और बहनों। मेरे पूर्वजों का और आपका संबंध सदैव हृदय का रहा है। और यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि मेरे पूज्य पिताजी के जीवन काल में अगर उनके सबसे घनिष्ठ विश्वसनीय लोगों में अगर किसी को गिना जाता है, जब पहले बार बड़े महाराज मंत्री बने और इसका संदर्भ मंचासीन एक जाट समाज के व्यक्ति ने नहीं दिया, पहले बार सन 1984 में जब बड़े महाराज रेल मंत्री बने तो उनके कैबिनेट मंत्री अगर कोई थे तो चौधरी बंसीलाल जी। चौधरी बंसीलाल और बड़े महाराज के बीच में संबंध में आपको क्या बताऊं? अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि पिता पुत्र का संबंध था। जो विश्वास बंसीलाल जी बड़े महाराज पर करते थे, जो संबंध आत्मीयता का उनका दोनों का था, रेल मंत्रालय में एक भी निर्णय मेरे पूज्य पिताजी के हस्ताक्षर के बिना बंसीलाल जी नहीं लेते थे। और वो जो मंत्रियों का संबंध था वो दिल के रिश्ते में तब्दील हो गया। उनके दोनों बेटों के साथ संबंध, सुरेंद्र सिंह जी के साथ, नैन सिंह के साथ, और उनके बड़े बेटे को तो रणवीर सिंह महेंद्र को मेरे पूज्य पिताजी ने बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया। तो चाहे बंसीलाल जी की आप बात करो,
चाहे लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष बलराम जाखर जी की बात करो, जो मेरे पूज्य पिताजी का संबंध बलराम जाखर जी के साथ रहा और उनका सानिध्य मुझे जनसेवा के इतिहास में शुरुआती तौर पर मुझे मिला। आज उनका बेटा सुनील जाखर भी भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ में कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहा है। राजस्थान में जाट समाज के हमारे नेता कर्नल सोनाराम चौधरी जी को जो आगे बढ़ाया मेरे पूज्य पिताजी, कर्नल सोनाराम चौधरी ग्वालियर में भी प्रवास बहुत पार कर पाए और आज देखो वे भी आज भारतीय जनता पार्टी के भाग बन चुके। तो जाट समाज का और सिंधिया परिवार का ऐतिहासिक रिश्ता रहा है, जाट समाज और सिंधिया परिवार का वर्तमान का रिश्ता है और मैं चाहूंगा कि जाट समाज और सिंधिया परिवार का युग युग का रिश्ता भविष्य में भी बनता रहे। हमारी विचारधारा है प्रगति, हमारी विचारधारा है विकास। चाहे मेरी दादी पूर्व राजमाता साहब, मेरी आजी अम्मा, चाहे मेरे पूज्य पिताजी, चाहे मेरे 20 साल के जनसेवा के इतिहास में सदैव डबरा की प्रगति, डबरा का विकास, किसानों की प्रगति, किसानों का विकास सदैव सर्वोपरि रहा। और इसी डबरा में विकास और प्रगति की बात जो राजेंद्र मेडिया जी ने कहा, आज मुझे इस बात की खुशी है कि डबरा में केंद्र विद्यालय मैंने स्थापित करवाया, आज पिछोड़ में महाविद्यालय स्थापित हो चुका है। ये पूरा जाट बहुल क्षेत्र हमारे नौजवानों को मां सरस्वती की ज्ञान की प्राप्ति इन संस्थाओं से हो, और जहां केंद्र विद्यालय और विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्थापित है वहीं डबरा में 100 बिस्तर का अस्पताल भी तैयार हो रहा है, जो इमरती जी के चुनाव के समय में हमने अपने तरफ से विश्वास दिलाया था। उस विश्वास पर खड़ा रहना ये सिंधिया परिवार का संकल्प है। और सबसे बड़ी बात, हमारा कृषि प्रधान समाज उसी सोच विचारधारा के साथ मां रतनगढ़ की सिंचाई की परियोजना जो समूचे इस डबरा बेल्ट को, जो जाट बाहुल है भिंड के क्षेत्र को, मुरार के क्षेत्र को पूर्ण रूप से सिंचित करेगी, और जैसे हरसी का बांध माधव महाराज प्रथम ने बनाया था, जो आज भी अमृत प्रदान कर रही है मेरे अन्नदाताओं को, वैसे मां रतनगढ़ की सिंचाई की परियोजना भी पानी अमृत समान मेरे समाज और कृषकों को दिलवाने का कार्य करेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। सेवरी का जो पुल बन रहा है वो भी आपकी ज्वलंत मांग, और आज जो इस मंच से मांग रखी गई कि महाराज सूरजमल की मूर्ति डबरा में कहीं लगनी चाहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रशासन से मैं बात करके जल्द से जल्द डबरा में किसी अच्छे स्थान पर महाराज सूरजमल की मूर्ति भी हम लोग का। पर आज समय की मांग है मेरे भाइयों में कि समाज एकत्र, जब मैंने कहा कि आप उत्साही समाज है, आप साही सी समाज है, स्पष्टवादी समाज है, आपको देखना होगा कि कौन से लोग और कौन से व्यक्ति विश्वासघात करते हैं और झूठे आश्वासन देते हैं
और कौन से व्यक्तियों की ये सोच है जो जाट समाज की सोच है कि जान जाए। अरे उसने बोला मैंने जान जाए। चुनाव का समय आ रहा है, बहुत सारे विदेशी पंछी यहां फड़फड़ाएंगे, पर मुगलते में मत आना, गलत फहमी में मत आना। जो ग्वालियर का विकास, ग्वालियर की प्रगति, आप में से कितने लोग ग्वालियर जाते हो, हाथ उठाओ। हवाई अड्डे पे कुछ देख रहे हो? 500 करोड़ रुपए का मैं नया हवाई अड्डा बना रहा हूं। आप में से कितने लोग इंदौर और भोपाल गए हो हवाई अड्डे में? इंदौर और भोपाल का हवाई अड्डा हाथ उठाओ। आज जो इंदौर और भोपाल का हवाई अड्डा है उससे बड़ा हवाई अड्डा मैं ग्वालियर में स्थापित करने जा रहा हूं। आज हर व्यक्ति की मनोकामना है कि वो प्लेन में उड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण कर दिया है। जो पहले ये सुविधा केवल चुनिंदे लोगों के लिए, अमीरों के लिए रखी जाती है, उड़ान योजना के तहत ये आम जन तक प्लेन पहुंचाने का कार्य किया है। और आज ग्वालियर से आप सीधे दिल्ली प्लेन से जा सकते हो, बैंगलोर प्लेन से जा सकते हो, मुंबई प्लेन से जा सकते हो, हैदराबाद प्लेन से जा सकते हो, इंदौर प्लेन से जा सकते हो। और 25 जून तक इंतजार करना, जम्मू और कोलकाता को भी दोबारा मैं जुड़ा के रख दूंगा, आप प्लेन से जा पाओ। वैष्णो देवी का दर्शन, मैया का दर्शन करने के लिए पहले छोटे छोटे प्लेन आते थे ग्वालियर के एयरपोर्ट पर। आज जो प्लेन हैदराबाद और बैंगलोर और मुंबई में आते हैं वो है बड़े एयरप्लेन एयरबस 320 में ग्वालियर के हवाई अड्डे पे लेके आया। ग्वालियर का रेलवे स्टेशन, पिछले माह प्रधानमंत्री जी ने इसकी आधारशिला रखी, 550 करोड़ रुपए का आधुनिक रेलवे स्टेशन ग्वालियर में बना। ग्वालियर की ट्रैफिक की समस्या के लिए एलिवेटेड रोड 18 किलोमीटर का मैं बना रहा हूं, स्वर्ण रेखा नाले के अंदर मैं एलिवेटेड रोड बना रहा हूं 1300 करोड़ रुपए। डबरा और चिन्नौर और पूरे क्षेत्र में सड़कों का अंबार मैंने दे दिया है। रानी घाटी की सड़क, बाकी की सड़क जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं, वो भी मैंने नितिन गडकरी जी से स्वीकृत करवा के डबरा क्षेत्र के लिए देखा। तो आज मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं जाट समाज के मेरे सभी भाई और बहनों, अगर सत्य का साथ देना है, अगर विकास का साथ देना है, अगर भविष्य का नव निर्माण करना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर एक दोबारा नया इतिहास मध्य प्रदेश में आने वाले महीनों में स्थापित करना है। बोलो मेरे साथ हो, साथ हो, हाथ उठाओ और मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो दादा सफेद शर्ट में, हाथ उठाइए मुट्ठी बांधिए और बोलो मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।